जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं नए संसद भवन के बारे में। फ्रेंड एक नया अपडेट आया है नए भवन से रिलेटेड, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से नए संसद भवन के बारे में। फ्रेंड एक साथ में कंपैरिजन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बीच में। सो वीडियो को अंत तक देख रहे फ्रेंड, स्किप मत करना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मिस ना हो जाए फ्रेंड। सो फ्रेंड ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारा अपकमिंग जो बजट है वो नए संसद भवन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, आपको नए संसद भवन का दृश्य देखने को मिलने वाला है फ्रेंड। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, अभी जो विजुअल जो बताए जा रहे हैं कुछ इस तरीके का हमारी लोकसभा होगी, लोकसभा का दृश्य है। ये अनुमान सही होता है, संभावना सही होती है। सो आपको 2023 1 फरवरी को हमारे नए संसद भवन के दृश्य मिलेंगे देखने को, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। 100 साल के बाद हम अपने नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड हमारे लिए। सो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते होगी पूरा लोकसभा का दृश्य है। अभी तक के जो विजुअल है इसमें दिखाया गया कि कुछ इस तरीके की हमारी लोकसभा होगी और हर एक एमपी के पास अपनी स्क्रीनिंग होगी। काफी अच्छी तरीके इसको डिजाइन किया गया है, हर एक चीजों पर ध्यान दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 फरवरी अगर ये संभावना ठीक होती है तो जल्द ही अपनी नई लोकसभा देखने को मिलने वाली है फ्रेंड्स। फ्रेंड अगर हम बात करें इस संसद के बारे में, जो इस संसद को बनाने के लिए जो एरिया का यूज किया गया है वो है फ्रेंड 64,500 स्क्वायर मीटर का एरिया इसमें यूज किया गया है और 1,224 एमपी की सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की मिला के फ्रेंड, और 970 करोड़ रुपए के अंदर खर्चा आया है अभी तक। और फ्रेंड इसकी जो एस्टिमेट जो बनने की उम्मीद थी वो 2022 की थी, पर वो नहीं हो पाई और थोड़ा सा एक्सटेंड होके ये 2000 में आ गया है। पर 1 फरवरी को अगर ये संभावना होती है तो जल्द ही हमें अपनी नई संसद भवन देखने को मिलने वाली है। अगर फ्रेंड इस पूरे संसद भवन को बनाने के लिए फ्रेंड को लिमिट ने ये बिट्स जीत थी और उसने ही ये पूरा का पूरा नया संसद भवन बनाया है फ्रेंड। पहली वाली जो संसद भवन थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और पूर्ण रूप से अंग्रेजों का ही जो भी वहां की चीजों को रिप्रेजेंट किया गया था। पर जो नई संसद भवन होगी यहाँ पे हमारे भारत की धरोहर, हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट किया जाएगा, पूरे भारत के कल्चर को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। ठीक है, अगर फ्रेंड बात करूं, अगर इसके अंदर फ्रेंड यहाँ देख सकते हो जो लोकसभा के अंदर की जो व्यवस्था की गई है वहां पे 888, तो ये सिटिंग व्यवस्था की गई। फिर जिस तरीके से हमारी बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमारे एमपी की संख्या बढ़ेगी, तो आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे जो सिटिंग की जो व्यवस्था की गई है वो 888 रहेगी। वहीं राज्यसभा के अंदर 384 सिटिंग की व्यवस्था की गई है, तो काफी इम्पोर्टेंट से होता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है फ्रेंड, सिटिंग जो कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 1,272 तक जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट लिहाज से है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डाटा लिखा गया है जो आप अपने जो नोट कर सकते हो, रख सकते हो अपने पास, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बने तो आप इजीली इसको अटेंड भी कर सकते हो, इस लिहाज से भी काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये आप राज्यसभा के कुछ विजुअल देख सकते हो, कुछ इस तरीके आपको राज्यसभा देखने को मिलेगी अगर 1 फरवरी को ये सब चीजें सच होती हैं, अगर संभावना बदलती और ये यहाँ पे हमारा जो हमारा बजट होगा प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा, अगर आपको देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरीके का हमारा राज्यसभा। सो आप ये देख सकते हो काफी अच्छा हाईटेक, काफी अद्भुत ये बनाया जा रहा है हमारा संसद भवन। सो पुराने वाले से काफी डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा। आपने पुराने वाला देखा होगा वहां पे किस तरीके की चीजों का यूज किया गया था, पर नए वाले के अंदर प्रॉपर तरीके से नई चीजों का प्रॉपर यूज किया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ पे कुछ ये थोड़े ये मतलब एकदम बेसिक मैप है जिस तरीके से कहाँ पे लोकसभा कहाँ पे राज्यसभा होगी, तो यहाँ पे ये मैप भी देख सकते हो, नक्शा यहाँ पे उनका काफी अच्छा है, तो ये भी आप देख सकते हो। और ये फ्रेंड एंट्रेंस होगा, कुछ एंट्रेंस आपको इस तरीके देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको वृक्ष बीच में वृक्ष मिलेगा और यहाँ पे मुख्य स्तंभ दिखेंगे मिलेगा, तो ये वृक्ष काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये कौन सा वृक्ष होगा, ये एप्पल का या बर्गर का वृक्ष होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है पुरानी हमारी संसद और हमारी नई संसद के बीच में डिफरेंस। जो लोकसभा जो है ना फ्रेंड, पुरानी वाली में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वाली कुछ इस तरीके की होगी फ्रेंड। एक चीज है इसमें, सेंट्रल हॉल होता है ज्वाइंट सेशन के लिए, वो फ्रेंड जो पुरानी वाली में था वो बीच में होता था,
पर जो हमारी जो नई वाली संसद का जो सेंट्रल हॉल जो ज्वाइंट सेशन के लिए होगा, वो जो लोकसभा का जो होगा ना, वो ही हमारा सेंट्रल हॉल ज्वाइंट सेशन के लिए होने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड, नई संसद के अंदर फ्रेंड आपको सेंट्रल लॉन्च देखने को मिलेगा बीच में यहाँ पे, और पुरानी वाली में ऐसा कुछ नहीं। सेंट्रल हॉल को ही फ्रेंड ये सेंट्रल हॉल ज्वाइंट सेशन के लिए यूज करते थे आपके फ्रेंड। नई वाली के अंदर फ्रेंड आपको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ पे होगा, और राज्यसभा जो पुरानी वाली यहाँ पे हुआ करती थी, और जो नई वाली होगी कुछ इस तरीके की होगी। और फ्रेंड्स ऑफिस की जरूरत ही है हमारे एमपीज को, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑफिस इस तरीके की। तो काफी इंपॉर्टेंट जो इस बार हमारी जो संसद होने वाली है, दोनों में डिफरेंस देख सकते हो किस तरीके से ये दोनों पुरानी वाली और नई वाली से अलग है। सो हमारी संस्कृति हमारी धरोहर को हमारी नई वाली जो है रिप्रेजेंट करेगी। और फ्रेंड ये सेंट्रल लॉन्च होगा जहाँ पे हमारे केंद्र जो हमारे कैबिनेट के मंत्री होते हैं डिसीजन लेते हैं। सो इस तरीके कुछ आपको लॉन्च देखने को मिलेगा पे ये डिसीजन ले पाएंगे, काफी लग्जरी लॉन्च है संसद में, ठीक है। और फ्रेंड अगर मैं बात करूँ 100 साल के बाद ये हमें देखने को मिले, जो 12 फरवरी 1921 में ऑफ कनॉक द्वारा हमारी जो मौजूदा संसद की नींव रखी गई थी, तो 100 साल के बाद हमें अपनी नई संसद भवन देखने को मिल रही है जो प्रॉपर तरीके से भारत की संस्कृति की विविधताओं को दर्शाएगी, भारत की क्षेत्र कलाओं को दर्शाएगी, शिल्पियों को दर्शाएगी, भारत की कारीगरी की मूर्तियों को दर्शाएगी। तो प्रॉपर तरीके से भारत के कल्चर को ये दिखाने वाली है। और फ्रेंड जो ये बिड लगाई गई थी, अगर टाटा सन्स ने जो बिड लगाई थी 2019 में 1861 करोड़ में, ये बिड जीती थी उन्होंने टाटा सन्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना फ्रेंड, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा ये पूरी संसद भवन का निर्माण किया गया है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ये हमारी नई संसद के बारे में। मैंने आपको कुछ विजुअल भी दिखा दिए किस तरीके से अलग होगी पुरानी वाली से, किस तरीके से लग्जरी बनाई गई, किस तरीके से हाईटेक बनाई गई है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड नई संसद भवन के लिए। सो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना फ्रेंड, कैसी है नई संसद भवन। और साथ में फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, ताकि आपको टाइम टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।